खास रिपोर्ट में हम आपसे डिंपल कपाड़िया पर चर्चा करने जा रहे हैं। डिंपल कपाड़िया जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी खूबसूरती और अपनी बोल्डनेस की वजह से काफी ज्यादा हंगामा मचाया, वो डिंपल कपाड़िया आज भले ही 62 साल की हो गई हैं, पहले जैसी ग्लैमरस नहीं रही, लेकिन सच तो ये है कि आज भी डिंपल को प्यार करने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज भी डिंपल कपाड़िया के लिए उनके चाहने वालों के दिल धड़कते हैं। आज डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना पर हम आपसे चर्चा करेंगे। दिवंगत राजेश खन्ना इकलौते एक्स एक्टर जिन्होंने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना ने 15 साल छोटी डिंपल कपाड़िया के साथ शादी कर ली थी। हैरानी होगी आपको जानकर कि राजेश खन्ना जब 31 साल के थे, डिंपल कपाड़िया जो हॉलीवुड फिल्मों में भी अब नजर आने वाली हैं, वो सिर्फ 16 साल की थी, और 16 साल की उम्र में राजेश खन्ना के साथ प्यार में पड़कर उन्होंने शादी रचा ली। उस वक्त डिंपल को काफी ज्यादा ट्रॉल किया गया। उम्र का फासला लोगों को खटक रहा था, लेकिन डिंपल ने किसी की बात की परवाह नहीं की। कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, इन सब पर ध्यान डिंपल ने नहीं दिया। राजेश खन्ना के साथ शादी करके प्यार को मंजिल तक पहुंचाया। शादी के बाद डिंपल ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया, फिल्मी पर्दे से थोड़ा दूर हो गईं, और बाद में इन दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गए। मनमुटाव के बाद राजेश खन्ना का घर भी डिंपल ने छोड़ दिया था, ये कहा जाता है, और उसके बाद डिंपल कपाड़िया ने अपनी जिंदगी में काफी परेशानियां भी झेली हैं। परेशानियों से लड़ते हुए उन्होंने फिल्मी पर्दे पर कमबैक किया, लेकिन कमबैक लोगों को उस कदर रास नहीं आया जैसे आना चाहिए। उसके बाद डिंपल कपाड़िया ने दबंग के साथ अपने आप को जोड़ा। दबंग 1 में वो नजर आईं, दबंग 2 से वो गायब रहीं। इन सब के बीच में डिंपल कपाड़िया आज भले ही बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन लोगों के दिल उनके लिए भी धड़कते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।